दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आज शाउट आउट देना चाहूँगा हर्ष पटेल जी को, जिन्होंने हमें ये बताया कि एक दूसरा चैनल हमारे चैनल की स्टोरीज़ को कॉपी कर रहा है। तो हर्ष पटेल जी, आपको मैं इसके लिए थैंक यू बोलता हूँ। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर के आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बिल्कुल ही सच्ची डरावनी कहानियाँ। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो कि आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, तो आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबर या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है @realabhi3107 पे मुझे भेज सकते हो। मैं आपकी कहानी को अपने चैनल पे सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधा कहानी पे आते हैं। ये कहानी हमें हमारे सब्सक्राइबर जैनीन भेजी है। तो चलिए अब मैं कहानी को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटिन्यू करता हूँ। ये बात 1999 ईयर की है। हम लोग मोहाली के फेज 11 में रहते थे। मैं और मेरी मम्मी, हम दोनों घर के पीछे के आंगन में बैठे हुए थे। समय उस वक्त शायद रात के 11 बजे के आसपास का ही होगा। तो हुआ यूं कि अचानक से हमें जोर से पत्थर गिरा हमारे आंगन में। खैर, हमने उस पत्थर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर 2 मिनट बाद फिर से वहीं पत्थर एक और गिर गया। इस बार मम्मी थोड़ा सहम गई और ऊपर देखकर छत पे गाली देने लगी कि कौन है छत पे, ये हरकत कौन कर रहा है। फिर अचानक से 4-5 पत्थर एक ही बार गिर गए। ये देखने के बाद हम सभी लोग फौरन भाग के छत पे देखने के लिए गए कि वहाँ पे कोई है या नहीं। फिर हमने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे हमें कोई भी नहीं मिला। उसके बाद मेरे पापा जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो और हमारे नाना जी दोनों पड़ोसियों के घर पे लड़ने चले गए कि ये सब आप कर रहे हो। वो लोग बहुत बोलने लगे कि ये हम सब क्यों करेंगे, हमें क्या ज़रूरत है, ये वक्त सोने का है। लेकिन पत्थर फेंकने वाली घटना कोई छोटी घटना नहीं थी, इसीलिए हमने उसी टाइम पुलिस को बुलाना वहाँ पे सही समझा। उसके बाद जब पुलिस हमारे घर पे चेक करने के लिए आई, तो एक बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना हुई। जब पुलिस हमारे घर के अंदर आई, तो हमारे घर के अंदर भी चारों तरफ पत्थर ही पत्थर पड़े हुए थे। खैर, इसके बाद पुलिस अपनी चेकिंग करके वहाँ से लौट गई। अगले दिन हमारा टिकट बुक था बुआ के घर जाने के लिए, जो कि कोलकाता में रहती थी, तो हम अगले दिन ही कोलकाता के लिए निकल गए। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि जब हम अपनी बुआ के घर गए, तो बुआ के घर पे भी पत्थर गिरने लगे और भी कई सारी अजीब घटनाएं होने लगी। बुआ की घर की दीवारों पे कई बार हाथ के छापे आ जाते और उनके घर के बर्तन भी टूटने शुरू हो गए थे और घर का सामान भी इधर से उधर ही मिलता। जैसे अगर कोई चीज़ मान लो बेडरूम में होती, तो वो बाद में वॉशरूम में पड़ी हुई मिलती। हम सभी लोग इन घटनाओं से काफ़ी परेशान हो चुके थे। ये घटनाएं हमारे साथ इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मीडिया में भी ये बात फैल गई और न्यूज़पेपर में भी यहाँ तक की घटना छपी थी। फिर उसके बाद मेरी बुआ जी ने एक बाबा को बुलाया और उन्होंने उसी चीज़ को किसी के अंदर बुला के बताया कि मैं इनका परदादा हूँ और मुझे कपड़े और बर्तन दो, वरना मैं वापस नहीं जाऊँगा। इसके बाद हमें बाबा जी ने बाबा बड़पग सिंह जाने के लिए कहा। वहाँ पे इन सब चीज़ों का इलाज होता था। उन्होंने कहा अगर हम वहाँ माथा टेक आएँ तो हमारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद हम वहाँ पे माथा टेक आए और फिर कुछ टाइम के लिए सब कुछ ठीक रहा। लेकिन कुछ समय बाद मुझे एक सपना आया और सपने में मुझे एक सूरत दिखी जिसने लाल रंग का सूट पहन रखा था। उसके छोटे छोटे बाल थे, एक लाल बिंदी लगा रखी थी उसने। उसने मुझसे बहुत ही अजीब बात कही कि मैं तुम्हारे बाप को अपने साथ ले जाऊंगी। मैंने सपने में ही उससे बोला कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और मेरे पापा को क्यों ले जाना चाहती हो।
वो जोर जोर से हंसने लगी और अचानक से मेरी आँख खुल गई। मैं काफ़ी डरा हुआ था। मैंने मम्मी को बुलाया और उनको सब कुछ बता दिया। मम्मी ने बोला, ऐसे ही सपना आया होगा। फिर अगले दिन वही औरत फिर से मेरे सपने में आ गई और बोली, अगर जो तावीज़ पर्दे पर बांधे हैं तुम उनको खोल लोगे तो तुम्हारे पापा बच जाएंगे, वरना कल मैं उन्हें लेके चली जाऊंगी। मैंने जब पर्दे पे देखा तो वहाँ पे मुझे कोई भी ताबीज़ नहीं दिखा। लेकिन उसके बाद एक बहुत अजीब घटना हुई। पापा के सिर के पास ज़ोर से कांच का गिलास आके गिर गया, जिससे उन्हें चोट भी लग गई। हम सब अब परेशान हो गए और पापा को बाथरूम के साथ खून आना शुरू हो गया। हम लोग ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। हमने फौरन उन्हें हॉस्पिटल लेके चले गए, लेकिन वहाँ पे मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे दुखद खबर पता चली। वहाँ उन्हें खून की उल्टियाँ भी हो रही थी, लेकिन तब तक हमें बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टर्स ने हमसे बोला कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे आज तक नहीं पता चला कि आखिर वो सब हुआ क्या था। ये घटना हो सकता है सुनने में थोड़ी अजीब लगे, लेकिन मेरी ज़िंदगी की एक बहुत ही डरावनी याद है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। और ये बात थी 1999 की, और उसके बाद भी कुछ ऐसा हुआ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने पापा की डेथ के बाद मॉडलिंग की लाइन में पड़ गई थी, जिस वजह से मुझे दुबई, सिंगापुर कई कंट्रीज़ में जाना पड़ता था। तो ये जो घटना मैं आपको बता रही हूँ ये साल 2013 की है। मैं उस समय दुबई में थी। वहाँ कंपनी ने मुझे फ्लैट दे रखा था जहाँ पे मैं वहीं रहती थी। जिस फ्लैट में मैं रहती थी वहाँ पे सभी लड़कियाँ थीं। वहाँ एक लड़की हमसे पहले भी परेशान होकर गई थी। एक दिन मैं ऊपर के बेड पर सो रही थी और मेरी दोस्त खुशी नीचे वाले बेड पर सो रही थी। मैंने एक बहुत ही डरावनी घटना उस रात महसूस की। मैंने देखा कि एक जला हुआ चेहरे वाला आदमी मेरे ऊपर आके मेरे अंदर आ गया और मुझे नींद में ज़ोर से झटके लगे। और फिर जब मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये थी कि मैं जैसे ही चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाती तो मेरा बुखार गायब हो जाता, मानो मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। लेकिन जैसे ही मैं वापस आती मुझे फिर से बुखार चढ़ जाता था। मैं काफ़ी तंग आ चुकी थी इस सबसे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। एक दिन मैं गाड़ी में अपने दोस्तों के साथ बैठी थी कि अचानक मेरे सिर में इतना ज़ोर से दर्द हुआ कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। दर्द के मारे सर फटने लगा था। मैंने सबको बोला कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ वरना मैं मर जाऊंगी। जब मुझे डॉक्टर के पास लेके गए फिर से सभी कुछ नॉर्मल हो गया। इसी तरह लगभग अगले 6 महीने तक मुझे बुखार रहा। फिर मैंने वापस इंडिया के लिए फ़्लाइट करवा ली और जब मैं अपनी इंडिया आ गई तो मम्मी मुझे पीर बाबा की दरगाह पर लेके गई। उन्होंने वहाँ पे झाड़फूँक किया और बोला, इसको उस घर में एक बच्ची और एक आदमी जलकर मरे थे जो इसको लग गए थे, इसीलिए इसका ये हाल हुआ। और हर थर्सडे को इसे यहाँ पे लेकर आ जाया करो, ये ठीक हो जाएगी। उसके बाद मैं ठीक भी हो गई। तो ये तो जो घटना थी ये 2013 की थी। ये थी मेरे साथ घटे कुछ काफ़ी अजीब अजीब किस्से। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो अभी आपने कहानियाँ सुनी ये बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं जो कि हमारी सब्सक्राइबर जैनी के साथ घटी थी। तो अब आज की आगे की स्टोरीज की तरफ भी बढ़ते हैं। राहुल कार ड्राइव करता हुआ वादियों से अकेले जा रहा था। आसपास बर्फ ही बर्फ, तूफानी माहौल। इतनी बर्फ राहुल ने कभी भी नहीं देखी थी, मानो बर्फ का तूफान ही आ गया हो।
अब तो राहुल को गाड़ी चलाते हुए भी दिक्कत आ रही थी। वो एक डॉक्टर था और वो किसी स्पेशल मरीज के लिए शिमला से ऊपर बसे हुए हैमिस गांव जा रहा था। डॉक्टर कुणाल ने उसको वहां आ जाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। शिमला से लगभग 200 किलोमीटर पार करके मनाली से आगे कैलांग और हैमिस के बीच में यह बर्फ़ का तूफान उसके सामने आ खड़ा हुआ था। वो पीछे पास के गांव से करीब करीब 50 किलोमीटर दूर था और आगे भी पता नहीं कहां तक कोई गांव मिलने वाला था। यह तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। समय भी शाम के 7 बज चुके थे। पहाड़ों पर जल्दी अंधेरा होने के कारण गाड़ी की हेडलाइट जला रखी थी, लेकिन बर्फ़ इतनी ज़्यादा थी कि आगे रास्ता दिखना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। अगर वह गाड़ी रोक कर ही गाड़ी के अंदर रुकता तो वह इस तूफान की चपेट में आ ही जाता, क्योंकि वह नहीं जानता था कि और कितनी बर्फ़ गिरने वाली है। 10 मिनट ड्राइव करने के बाद उसको एक कॉटेज दिखाई दिया। उसने कॉटेज के बाहर 2 गाड़ी खड़ी हुई देखी। रात में सोचने के लिए वो ये सोचने लगा कि क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाऊँ, चलो देखते हैं, कोई ना कोई तो अंदर मिल ही जाएगा। वह जैसे ही कॉटेज के अंदर गया, वहाँ 2 गैलरी बनी हुई थी। एक रास्ता जिधर हल्का सा प्रकाश हो रहा था वहाँ जा रहा था और दूसरा रास्ता अंदर कहीं और ही जा रहा था। राहुल लाइट की तरफ चल दिया और अंदर जाकर देखा तो वहाँ पर 4 और लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और सब उसको ही देखकर हंस पड़े और बोले, वेलकम शिखा, हाय, तुम भी यहाँ हमारी तरह भटकते हुए पहुँच ही गए, आओ बैठो, ज्वाइन करो, वैसे भी ये घर बहुत बड़ा है और अब हम 5, शायद कोई और भी आ जाए। हर्ष बोला, हाँ अब यहीं पे रात गुजारनी पड़ेगी। हर्ष की पत्नी पूर्वा बोली, अरे यार तुम भी, कितना ठंडा मौसम है, अंदर आग और हम 5, आराम से रात कटेगी, टेंशन मत लो, सुबह तक तूफान थम जाएगा। हर्ष बोला, तुम्हें तो हर जगह मस्ती ही लगती है, मुझे सुबह होने से पहले अपने पेशेंट के पास पहुंचना है। राहुल बोला, आप डॉक्टर हैं? यस, मायसेल्फ डॉक्टर हर्ष, और मैं लेह जा रहा था अपने मरीज को अटेंड करने। ये है मेरी वाइफ डॉक्टर पूर्वा। हाय, माय नेम इज़ राहुल, और मैं भी जा रहा हूँ अपनी एक मरीज को अटेंड करने। वाओ, क्या इत्तेफाक है, दोनों डॉक्टर अपनी मरीज को अटेंड करने जा रहे हैं और एक ही जगह पर रुके हैं। नीरज की इसी बात पर सब लोग शांत हो गए और एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन कुछ सेकंड बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। तभी पीछे से एक हंसने की आवाज़ आई, जैसे कोई जानवर हंसा हो। क्या तुमने सुना, हमारे अलावा यहाँ पे कोई और भी है शायद, उसे हमारी मौजूदगी का नहीं पता हो, नीरज ने बोला। अरे यार, अगर यहाँ पर कोई और होता तो सबसे पहले इतने शोर कहाँ आता, यहाँ छुप के अंदर बैठा होता और हंसता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई हंसा हो, शिखा बोली। सिंपल, क्योंकि तुम यहाँ पर हम सबको डराना चाहते हो। हम एक भूतिया हॉन्टेड हाउस में हैं और यहाँ पर भूत है, वो हम सबको मार देगा ना, पर हम डरने नहीं वाले हैं। क्यों राहुल? बाय द वे, आई एम शिखा, मैं यहाँ पर लेह लद्दाख घूमने आई हूँ, और मेरा नाम नीरज है, मैं भी यहाँ पर लेह घूमने आया हूँ। तभी शिखा ने उसे तीखी नज़रों से देखा। वैसे राहुल, तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, नीरज। ओ माई गॉड, तुम इतनी लंबी ड्राइव करके आ रहे हो, हर्ष बोला। वैसे हम भी दिल्ली से ही आ रहे हैं लंबी ड्राइव करके, लेकिन मुझे सुबह तक लेह पहुँचना था। लो एक और इत्तेफाक, 2 डॉक्टर दोनों ही दिल्ली से शिमला सफ़र करते हुए आगे जा रहे हैं और दोनों को ही हमारे साथ यहाँ फंस गए। शिखा बोली, ये जगह कितनी कूल और क्लासिक है, आप सब कॉफ़ी पियेंगे? मैंने फ्रिज में दूध देखा है। श्योर, वैसे भी इतनी ठंड में कॉफ़ी लाजवाब होगी। ओके, मैं कॉफ़ी बना के लाती हूँ। उसके बाद वो कॉफ़ी ले आई, सब ने उसकी तारीफ़ की। तुम काफ़ी अच्छी कॉफ़ी बनाती हो, पूर्वा बोली। अरे यार, यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है, ज़रा मैं देख कर आती हूँ, फिर वो वहाँ से चली गई। तभी पूर्वा के बहुत तेज़ से चीखने की आवाज़ आ गई, जिसे सुन के सभी लोग चौंक गए। नीरज, हर्ष और राहुल पूर्वा की आवाज़ की तरफ भागे
जो कॉटेज के बाहर से आ रही थी। शिखा मन ही मन में बोली, इसको बर्फ़ में जाना ज़रूरी था क्या? लेकिन बाहर पूर्वा नहीं थी। सब उसे आवाज़ देने लगे और इधर उधर ढूंढने लगे। तभी पूर्वा अंदर से आई और उसने पीछे से आवाज़ दी, तुम सब यहाँ पर कर क्या रहे हो? सब उसकी तरफ मुड़े और बोले, तुम पागल हो, इतनी देर क्यों चिल्लाई? पूरा बोली, मेरा दिमाग ख़राब लगता है जो तुम्हें चिल्लाऊंगी। हाँ तुम चिल्लाई, भला मैं क्यों चिल्लाऊंगी? अरे यार, हमने अभी अभी तुम्हारी आवाज़ सुनी है। क्यों राहुल, तो तुम कह रही हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? कहीं ये जगह हॉन्टेड तो नहीं? तुम सबका दिमाग ख़राब हो गया है क्या? मैं सही कह रही हूँ यार, मैं यहाँ पर तुम सबसे पहले आई थी और मैंने यहाँ पर कुछ पोस्ट कार्ड देखे थे जो 1996 के थे। तब से अब तक उन चिट्ठियों को किसी ने नहीं खोला और वह अभी भी बंद है। राहुल बोला, मतलब यहाँ बरसों से कोई नहीं आया। शिखा, हो सकता है कि यहाँ पे कोई आत्मा हो। नीरज बोला, यहाँ हमसे पहले कोई भी आता तो इनको खोलता तो ज़रूर। पूर्वा बोली, अरे यार तुम लोग चिल करो और अंदर चलो, वरना हम सब लोग यहीं जम जाएंगे। कोई भूत आत्मा चुड़ैल कुछ नहीं है। अभी तूफान छम जाएगा ना, सुबह तक हम सब निकल जाएंगे। बस रात ही तो काटनी है, हमें कौन सा यहाँ पे ज़िंदगी गुजारनी है। और सब लोग अंदर चले गए। वो लोग एक बार फिर से डाइनिंग टेबल की तरफ जा रहे थे जहाँ ये सब शुरू में बैठे थे। तभी नीरज पीछे की साइड खींचता चला गया और उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल पाई। नीरज से आगे हर्ष था और उसके कानों में एक बेहद डरावनी आवाज़ आई, चलो खेलते हैं, चलो खेलते हैं। अरे नीरज कहाँ गया? यह भी ना पागल है, बिना सोचे समझे इधर उधर घूम रहा होगा हमें घर में डराने के लिए। शिखा बोलते हुए टेबल पर बैठ गई। पूर्वा, कुछ तो गड़बड़ लग रही है, यह समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पे ये सब हो क्या रहा है। ये पुराने पोस्ट कार्ड, मेरी आवाज़ आना, कहीं नीरज भी तो नहीं? अरे नहीं नहीं, वो कहाँ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए। मैं अभी आया, मुझे ज़रा अपने सीनियर डॉक्टर से बात करनी है, हर्ष बोला और एक मिनट में नेटवर्क चेक करके आया या मैसेज सेंड कर देता हूँ। जब नेटवर्क आएंगे मैसेज पहुँच जाएगा। और हर्ष निकल गया। हर्ष के मन में यह था कि एक बार चेक किया जाए कि मेरे कानों में जो आवाज़ आई थी, क्या उसके पीछे नीरज का गायब होना था या नीरज उसे डरा रहा था। शिखा बोली, सुनो, मुझे यहाँ पर कुछ बॉल्स भी मिले हैं, शायद कोई बॉल से क्रिकेट खेलता हो, लेकिन बैट नहीं था। पूर्वा बोली, क्या मजाक कर रही हो, मुझे लगता है किसी परिवार का घर होगा और उनका बच्चा यहाँ पर खेलता होगा। शिखा बोली, तुम सब इतना क्यों सोच रहे हो, बस रात काटो और सुबह निकलना है। राहुल, तुम लोगों ने एक बात गौर करी, यह कॉटेज गांव से इतना दूर है, सुनसान इलाके में, और हम सब यहीं मिले और सभी लेह जा रहे थे, यहाँ सबसे पहले कौन आया था? पूर्वा बोली, हमसे पहले यहाँ शिखा थी और नीरज तुम बाद में आए थे। शिखा, एक बात बताओ, जब तुम यहाँ आई थी तूफान कब से चल रहा था? शिखा बोली, जब मैं आई तो तूफान बहुत तेज़ था। पूर्वा बोली, तूफान तेज़ होने पर ही हम लोग यहाँ पर आए, हमें अंदर आग जलती हुई दिखी और मैंने ही हर्ष को फोर्स किया कि प्लीज़ थोड़ी देर यहाँ पर रुक जाते हैं, मुझे रास्ता बहुत डरावना लग रहा था। हर्ष ने मना भी किया, तभी अचानक से हर्ष की बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आई। ये तीनों उसी आवाज़ की तरफ भागे। वहाँ जाकर देखा तो हर्ष के दोनों पैर किसी ने मानो खा लिए थे और बेहद खून बह रहा था और वह दीवार के सहारे बैठा रो रहा था, चिल्ला रहा था। उसकी यह हालत देख के हम सब एकदम अचंभे हो गए और पूर्वा को वो बोल रहा था, मुझे बचा लो, वह मुझे मार डालेगा। पूर्वा यह सब देख कर बेहोश हो गई और शिखा रोते हुए वहाँ से उल्टी करके भाग गई। राहुल ने हर्ष से पूछा, कौन था वो, कोई जानवर, भेड़िया, कौन था? हर्ष बस सामने बाहर की ओर देखता रहा। हर्ष, मेरी बात का जवाब दो, हर्ष, हर्ष, हर्ष। लेकिन हर्ष ने तब तक दम तोड़ दिया था। पूर्वा, उठो उठो, अपने आप को संभालो, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। पूर्वा उठी और बोली, हर्ष, मेरा हर्ष, प्लीज़ उठ जाओ। राहुल, शिखा कहाँ है? ओ माय गॉड, उठो पूर्वा, हमें उसे ढूंढना होगा। शिखा, कहाँ हो तुम? यह दोनों पूरे घर में ढूंढने लगे लेकिन शिखा कहीं पे भी नहीं दिखी।
गैलरी से गुजरते हुए उन्हें बहुत तेज़ आवाज़ आई, चलो खेलते हैं, चलो खेलते हैं। और उनके पास खिसकते खिसकते 3 बॉल आ गई। इसी के साथ कमरे से शिखा की तड़पती हुई चीख भी आई। राहुल और पूर्वा शिखा की तड़पती हुई चीख की तरफ चल पड़े। अंधेरा होने की वजह से इन्होंने अपने फ़ोन की लाइट जला रखी थी। इनके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। यह लोग जितना कमरे की तरफ जा रहे थे, कमरे में से कुछ रेडियो टीवी चलने की आवाज़ आ रही थी। कमरे के पास जाते जाते यह आवाज़ उन्हें ठीक ठीक सुनाई पड़ रही थी। पूर्वा बोली, राहुल क्या तुम इस आवाज़ को सुन पा रहे हो? हाँ, यह कोई न्यूज़ चैनल है, शायद कोई हिंदी न्यूज़ चैनल, लेकिन बोल क्या रहा है ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा। एक मिनट, ये तो दूरदर्शन चल रहा है। हाँ, मैंने इस एंकर की आवाज़ सुनी है, ये दूरदर्शन ही है, राहुल बोला। 2019 में दूरदर्शन कौन सुनता है? पूर्वा, तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा, ये जगह हॉन्टेड है। शिखा का कुछ पता नहीं, नीरज का भी कुछ पता नहीं, और हर्ष वो तो मेरी आंखों के सामने। बोलते बोलते शिखा रोने लगी। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। राहुल, हम कहाँ जाएंगे? टाइम तो देखो। तभी अंदर से आने वाले रेडियो की आवाज़ बंद हो गई और किसी ने इन दोनों को ही अंदर खींच लिया, दोनों की टांग पकड़ के। राहुल की एक टांग में बहुत चोट आई और पूर्वा का सर धड़ से अलग हो गया। राहुल फ़ोन की टोर चारों तरफ देखता रहा, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। राहुल बोला, पूर्वा कहाँ हो तुम? अचानक से राहुल के पास भी 3 बॉल गिरते हुए आई और एक आवाज़ भी आई साथ में, चलो खेलते हैं। राहुल के पैर में चोट की वजह से वो ज़मीन के सहारे ही चल सकता था। ज़मीन के बल खिसकता हुआ वो उस रूम से बाहर आया और खिसकता हुआ ही बाहर जाने की कोशिश करने लगा। तभी उसे किसी के पीछे से चीखने की बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, मानो कोई जानवर दहाड़ा हो, और वह एक दीवार के सहारे छुपकर बैठ गया। उसकी सांसें ऐसी चल रही थी जैसे बस वो मरने ही वाला हो। उसने अपना सर अपनी साइड की दीवार पर टिका दिया, लेकिन वहाँ उसे मानो दीवार महसूस ही नहीं हुई और कुछ नरम नरम सा महसूस हुआ, क्योंकि वहाँ बगल में शिखा की बर्फ़ में जमी हुई लाश पड़ी हुई थी। राहुल की चीख सुन के उसके मुंह में ही दब गई। उसने अपना मुंह अपने दोनों हाथों से बंद कर लिया और अब जानवर की आवाज़ बंद हो गई थी। राहुल ने वहाँ से निकलने का फ़ैसला किया और एक पैर से खिसकता हुआ अपनी गाड़ी तक जाने लगा। बाहर अंधेरे में अभी भी बर्फ़ गिर रही थी और बर्फ़ के ऊपर खिसकने से उसके हाथ जख्मी हो गए थे, लेकिन वो किसी तरह अपनी गाड़ी के पास पहुंचा। अंदर कोटेज से एक बार फिर से ज़ोरदार दहाड़ने की आवाज़ आई। अब राहुल बड़ी मुश्किल से गाड़ी में चढ़ा। उसने अपनी गाड़ी की चाबी लगाई, लेकिन दोनों पैरों में तो जान ही नहीं थी। उसे अब पता चला कि चोट उसके दोनों पैरों में है, क्योंकि ठंड के कारण उसके पैर सुन्न थे। राहुल ने गाड़ी के शीशे बंद किए और अपना सर पीछे टिकाकर बैठ गया और सोचने लगा, इन 5 घंटों में उसके साथ क्या क्या हो गया है। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी पर कुछ अखबार उड़ते हुए आ गए अचानक से। उसने खिड़की खोलकर उन अखबारों को देखा जिसमें हर साल की न्यूज़ थी, सुनसान कोटेज से गायब हुए लोग जिनको एक लड़की अपने जाल में फंसाकर मार डालती है, कोटेज से मिली लाशें, आखिर कौन है इन सब घटनाओं के पीछे। हर अखबार में कुछ ऐसे ही लाइंस लिखी हुई थी। राहुल धीरे धीरे समझने की कोशिश करने लगा, अगर ये कॉटेज सुनसान है, कॉफ़ी बनाने के लिए दूध कैसे आया, और वो इतनी पुरानी पोस्ट। राहुल खुद से ही बातें करने लगा, जब मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ 2 ही कार थी, एक हर्ष और पूर्वा की, नीरज और शिखा की, एक दूसरे को नहीं जानते थे, इनमें से पैदल कौन आ सकता है। धीरे धीरे उसके समझ में सारी कहानी आ गई। अखबार में लिखा है एक लड़की लोगों का खून करती है, लड़की नहीं असल में एक आत्मा, मतलब शिखा, मतलब क्या शिखा एक आत्मा है? तभी राहुल के पीछे से एक ज़ोरदार आवाज़ आई, चलो खेलते हैं। राहुल ने
फ्रंट मिरर से पीछे देखा तो शिखा की जमी हुई लाश, जिसकी आंख भी नहीं थी, मुंह पर उंगली रखे कह रही थी, तो चलिए दोस्तों, अब हम आज की आखिरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमें हमारे सब्सक्राइबर सोनू ने दिल्ली से भेजी है। हाय, मेरा नाम सोनू है, मैं दिल्ली से हूँ। ये कहानी मेरी सच्ची घटना है, जो आप सुन के सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। बात उन दिनों की है जब मैं करीब 18 साल का था। मैं उस समय परियों को नहीं मानता था। तो एक दिन मैं अपने गांव गया। गांव में मैं बाग में सोने के लिए चला गया। अपने दोस्त के साथ हम वहीं पर सोते सोते रहते थे। एक दिन मैं रात के टाइम पानी पीने के लिए उठा, जब मैंने देखा यहाँ की किसी के पत्ते पर चलने की आवाज़ आ रही है। मैं थोड़ा आगे बढ़ने लगा, तो मैं आगे बढ़ा धीरे धीरे, तो मैंने आगे एक पेड़ की साइड में देखा एक लड़की जो कि काफ़ी खूबसूरत थी। वो मैंने उसे देखकर सोचा शायद यहीं कहीं पर रहती होगी, हमारे गांव की होगी। तब मैं यही सोचकर सोचने लगा कि शायद कहीं से आई हो, लेकिन इतनी रात में ये यहाँ पे क्यों आई है। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्योंकि गांव में वॉशरूम नहीं होते हैं, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि गांव में इस टाइम पे क्या होता है। इसीलिए मैं उसी वक्त वहाँ से वापस चला गया। अगले दिन मैंने अपने दोस्त से पूछा कि मेरी एक बात बताओ, कल रात मैंने एक लड़की देखी, वो बहुत ही खूबसूरत थी, क्या यहाँ पे आसपास कोई लड़की रहती है। तो उसने सोच के बताया कि यहाँ पर तो कोई ऐसी लड़की नहीं है जो खूबसूरत हो, तू कैसी बातें कर रहा है, कुछ नहीं, पूछ रहा था ऐसे ही, शायद वो समझ गया था। मैं बोला कि चल छोड़। उसने बोला कि तू फालतू फेंक रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुझे रात के टाइम यहाँ पे कोई लड़की दिख रही हो। मैंने उससे कहा, सच में यार, आज तक मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था, चल आज रात हम दोनों ही जाग के देखेंगे। उसने भी बोला, चलो ठीक है। हम रात के टाइम उठे भी रहे। रात के करीब 1-1.5 बजे हम दोनों ही उठे और मैं वहीं पे जाने लगा, तो आज कुछ नहीं दिखाई दिया। तो मेरा दोस्त भी बोलने लगा, ये तो रात के टाइम फ़ोन पर मूवी देखता होगा, जब उस टाइम पर नोकिया का मोबाइल चल रहा था, छोटा वाला, जिसमें हम मूवी देख लेते थे। तो मेरा दोस्त बोला कि तू पागल है, तुझे ऐसे ही फालतू की चीज़ें दिखती रहती हैं। लेकिन उसके बाद एक बहुत ही अजीब घटना हुई। मुझे रात में ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे बालों को सहला रहा है। जब मैंने आँख खोल के देखा तो वही लड़की मेरे ऊपर खड़ी थी, और देखते ही देखते अचानक वो खूबसूरत से बदसूरत चुड़ैल में बदल गई। उसे देख के मैं बहुत ही डर गया। मैं उसे भी उठाना चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं आ पा रही थी। जैसे तैसे मैंने खुद को कंट्रोल किया, मैं काफ़ी डर गया था, लेकिन जैसे तैसे सुबह हुई, और सुबह होते के साथ ही मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे तेज़ बुखार चढ़ गया। मेरे दोस्त ने मेरे घर वालों को वो बात बता दी जो कि मेरे साथ पिछले 2 दिन से घटी थी। मेरे घर वाले ये सुन के समझ गए थे, क्योंकि उन्हें मालूम भी था कि उस पेड़ के पास एक लड़की की आत्मा भटकती है। तो उन्होंने फ़ौरन देर ना करते हुए गांव के ओझा को बुला लिया, और उसके बाद उस ओझा ने मेरी झाड़ फूँक की, जिसके बाद मैं ठीक हो गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी सच्ची डरावनी घटना। दोस्तों, ये थी आज की कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।